Assalamu alaikum. So Nisa is very basically fond. ये तो ऑलरेडी लगता है कोई इकट्ठा कर चुका है यहाँ जनाब आर्य ने काफी इकट्ठा ये देखिए जी निशा जो है ये जनाब ये भाई जान अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम शुरू करने लगे हैं एक एक्टिविटी। हमारे घर के पास ही एक पार्क है विच इज़ कॉल्ड कैलिफोर्निया पार्क। बहुत बड़ा पार्क है, सॉरी कैलिफोर्निया कंट्री पार्क। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चेस्ट नट्स इकट्ठे करेंगे। ओके सो निशा इज़ वेरी बेसिकली फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग द चेस्ट नट्स। सो निशा व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी वी कैन कलेक्ट टुडे? एंड आर्या मोर देन 10। आई होप के काफ़ी पक चुके होंगे। थोड़ा सा रात बारिश हुई यहाँ पे तो हालात कुछ इस तरह के ही हैं, लेकिन लेट्स सी। ये बहुत प्यारा सा लेक है सामने, देयर आर सम लॉट ऑफ डक्स एंड वी आर अ काइंड ऑफ इन अ नेचर। अरे कम बैक। चेस्टनट्स पाकिस्तान में होते नहीं होते मुझे नहीं पता, आई थिंक नहीं होते हैं, लेकिन इसकी जो इंट्रोडक्शन मेरे साथ हुआ था तुर्की में लोकल जुबान में से कहते हैं कस्ताने। और इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे चेस्टनट्स के दरख्त हैं हमारे घरों के आसपास। यहाँ का जो वेदर काफ़ी उसको फेवर करता है उसको होने में। सो यहाँ पे गिरे होते हैं और उसको अभी इकट्ठा करेंगे, देन वी विल जस्ट ट्राई टू कुक एट होम एंड सी कि क्या हिसाब किताब है। कल कुछ हमने इकट्ठे किए थे लेकिन जहाँ पे भी आए हैं यहाँ पे ज़्यादा दरख्त हैं और ज़्यादा उसके वो हैं चेस्टनट्स। उर्दू में क्या कहते हैं, हम जस्ट वंडरिंग कहते क्या हैं। तो लेट्स सी। दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पे इस पूरी लेक का। ये जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना तो ये जो ना ये बिल्कुल जमा होता है यहाँ पे, इसका आप स्केटिंग कर सकते हैं, आइस स्केटिंग। नहीं जनाब हम जंगल में आ गए हैं, जंगल में थे वैसे तो, लेकिन दरख्तों के पास आ गए जहाँ पे चेस्टनट्स के दरख्त हैं। सो लेट्स सी इफ़ यू कैन फाइंड सम। यहाँ पे मड, डीप मड्स भी हैं विच इज़ क्वाइट डेंजर। ओके ये है चेस्टनट्स का दरख्त, आपको दिखाता हूँ। ये नीचे ऐसे गिरा होता है, ऐसे गिर के ना फट के खुल जाते हैं जो पके होते हैं, एंड देन जस्ट नीड टू कलेक्ट। इसको कलेक्ट करना आसान ही है बिकॉज ये कांटे लगे हुए हैं उसके ऊपर, इसको पाँव से मसलना पड़ता है। जैसे वो देखें बहुत सारे वहाँ पे लगे हुए हैं और अभी भी गिर रहे हैं ऊपर से, जैसे पकते जाएंगे वैसे वैसे गिरते जाएंगे। ये तो ऑलरेडी लगता है कोई इकट्ठा कर चुका है यहाँ से, ये देखें ये सब के सब खाली हैं। हमें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा इफ़ यू नीड सम गुड। ओके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मोस्टली खुले हुए, कोई लगता है इकट्ठा कर चुका है ऑलरेडी इनको, लेकिन ट्राइंग टू फाइंड देयर आर सो मैनी। इनको लेने के अंदर जाना पड़ेगा बट सीम्स लाइक इकट्ठा कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं बट बारिश हुई है तो उसकी वजह से भी काफ़ी मसला है। डिड यू फाइंड सम? बारिश की वजह से काफ़ी गारा है यहाँ पे, बिल्कुल जंगल के अंदर आ गए। सो ट्राइंग टू फाइंड सम। निशा कम ऑन फाइंड सम चेस्टनट्स, बट बी केयरफुल अबाउट द मड, देयर इज अ मड, डीप मड। ये देखें ये ऑलरेडी को ना, सो ये ऑलरेडी कोई ले चुका है यहाँ से। इट्स ओके, इट्स मे बी आगे नो आगे हो नहीं भाजन। चेस्टनट्स को इकट्ठा करते करते यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से अभी बाहर भी जाना है, वहाँ से आ रहे हैं हम अभी यहाँ तक जा रहे हैं। इस्लामाबाद की मागला हिल्स याद आ गई, ये प्यारा सा ये दरवाज़ा लगाया हुआ है उसके ना मैनुअल एक स्कीम लगाई हुई है इसके साथ, ये खुद ही बंद होता है ऑटोमेटिक बट दिस क्वाइट अ मैनुअल स्टफ टू डू। जैसा शेर है वहाँ पे आगे ना जाएं बेहतर है। नहीं जी कुछ हमें चेस्टनट्स मिले भी हैं और कुछ जो है इतना एक्सपेक्ट करें तो उन्हें नहीं मिले बिकॉज मेरे ख्याल कोई ऑलरेडी इकट्ठा कर चुका है। ये हमारे घर के पास है वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा हमने देखे थे, वहाँ से हमने इकट्ठे किए हैं। और गाइस वी हैव टू फाइंड सम, कम ऑन लेट्स फाइंड समथिंग। यस चेस्टनट्स वी आर फाइंडिंग। व्हाट इज दिस इज डिफरेंट थिंग, I don't know. Come on, let's not touch it.
might be a poisonous. Aj Arya, we have collected something. Arya, dikhao kitne ikatthe kiye humne. Show us. Na abhi tak itne mile. Which is nothing. So yeah, jungle ke darakhton ki shape bhi different hoti hai. We have some sun today after a very heavy rain last night. Scotland ki taraf to flood shard bhi aaye hain, storms bhi aaye hain. Yahan pe bahut zyada gire hue hain, lekin yahan pe andar jana jo hai na gaare ki wajah se kafi mushkil ho sakta hai. Ye jo hai na pakke hue nahi hue waise aapke samne pade hue hain. This is like that. So these chestnuts are like or not completely done because I don't know. Baaki to khule hue hain, jaise yahan pe ek hai. Ye dekhiye, isko main haath nahi laga sakta because kaante hain. लेकिन ये इसके अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पे और वो सारा आप पता नहीं जानवर निकाल सकते बिकॉज कांटे लगे हुए इंसानों का काम है लेकिन वो ये है कि वो एक नज़र आया मुझे लेकिन जनाब मुझे एक मिल गया ये बहुत छोटे साइज़ में है इससे तीन चार बड़ा साइज़ होता है इसका इसके अंदर से और बाकी तो है तो खाने के काबिल नहीं है बिकॉज वो ख़राब हो चुके हैं बट या वी फाउंड सम ये देखें इसके अंदर एक है इसको मैं अभी पाँव से करता हूँ इसको पाँव से खोलते हैं क्योंकि अगर पाँव से नहीं खोलेंगे तो फिर वो कांट लगता है तो ये देखें जनाब इसके अंदर से निकल आया नहीं जनाब आर्य ने काफ़ी इकट्ठे कर लिए हाँ हाँ नो डोंट टच आर्य दिखाओ कितने इकट्ठे हो गए ये आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा है बेटा और इकट्ठे कर लेंगे अभी हम एक और जगह पर जाते हैं वहाँ से देखते हैं वहाँ से इकट्ठे हो सकते हैं बट या ये बहुत तेज ट्रेल है यहाँ पे लोग वॉक करते हैं साइकिलिंग करते हैं कुत्तों के साथ खेलते कूदते हैं इट्स लाइक क्वाइट अ बिग यहाँ से अब आई डोंट नो कितना माइल्स जाते हैं हम काफ़ी आगे तक गए थे इट्स क्वाइट ह्यूज काफ़ी बड़ा माइल्स इंग्लैंड का ये है कि बहुत ग्रीन है इट्स लाइक पूरा यूरोप ही काफ़ी 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 ग्रीन है ये देखिए जिनके साथ जो है आर्य जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही है इकट्ठा कर रही है हम मोस्टली खाली पड़े हैं सारे के सारे जो यहाँ पर हैं वी फैक्चुअली फाउंड सम लेट मी जूम आपको शो करता हूँ वो जो दरख्त के ऊपर लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा आई डोंट नो इफ यू कैन सी या नॉट बहुत लंबा दरख्त है ये इस वहाँ पर हैं रिसर्च हैं कि नहीं है आहिस्ता ओके जनाब हमने कलेक्ट कर लिया है कुछ एंड आई थिंक वी विल गो टू अनदर प्लेस टू कलेक्ट मोर यहाँ पे मोस्टली ऑलरेडी इकट्ठे किए जा चुके हैं बाय समवन बट या देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस अवेलेबल जहाँ से इकट्ठे किए जा सकते हैं उसके बाद दिखाएंगे कि बनाते कैसे हैं और खाते कैसे हैं वो भी एक जो है ना सुनहरी लेकिन वो थोड़ा के शवे में बनाएंगे ऑलमोस्ट खजां की आमद आमद है खजां ही है ये जो ना पत्ते जो है ग्रीन से पर्पल सर्पल हो गए शायद ये बड़ा रश होता है लेकिन रात बारिश हुई गीला है सबको इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हुआ है आफ्टर हार्ड वर्क ऑफ कलेक्टिंग चेस्टनट्स टाइम फॉर सम एंटरटेनमेंट सेम हियर नहीं भाईजान ये हमने इकट्ठे किए हैं विच इज़ क्वाइट अ लॉट और साइज़ में नॉर्मल है लेकिन इसे काफ़ी बड़े साइज़ में अवेलेबल होते हैं तो अभी जब इनको बनाएंगे तो हम देखेंगे कैसे बनाए कैसे जाते हैं और खाए कैसे जाते हैं अरे मज़े क्या ना इस टेस्टी और ये अभी गो अ लॉट नाउ ओके तो ये जो कस्तानी है ये बेसिकली पकाने का तरीका क्या होता है जैसे ये कस्तानी आप यहाँ से लेते हैं और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने काट लिया ऐसे करके काट दिया और ये आपको खाली होता है एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका इसका ये है कि इसी कस्तानी के बीच में आप कर दें ऐसे टक सा लगा दें दोनों तरीक़ों से चल जाता है लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं फिलहाल और उसके बाद इसको रखेंगे तवे के ऊपर सो ऐसे कर करके मैं भी रखता जा रहा हूँ लेजिए तवे के ऊपर जो है कस्ताने पकना शुरू हो चुके हैं तवा गर्म है और साथ में डेफिनेटली तुर्किश चाय भी जो है इन प्लेस आ गई है तुर्किश चाय और साथ में ही कस्ताने नहीं इस चेस्टनट्स इंग्लिश में वर्ड है तुर्किश में कस्ताने एंड या ये जनाब बन रहे हैं धुएं निकलने शुरू हो चुके हैं अभी इसमें पटाखों की आवाज़ें भी आएंगी थोड़ी बहुत जो फट जाएंगे या ऐसा कुछ बट इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा थोड़ी देर तक ले जहाँ कुछ ब्लैक हो रहे हैं पक रहे हैं मोर टू कम मतलब 10-15 मिनट लगते हैं बेसिकली ये देखें जी पक गए यहाँ से पता चल जाता है फट गए हैं अंदर से सारा ये पक चुके हैं बेसिकली
थोड़ा सा और करूँगा एंड देन थोड़ी स्टील नहीं जनाब। चेस्टनट्स हमारे हो गए हैं और अब उनको ध्यान से ये हमने डाली है यहाँ पे ध्यान से आ रिया नहीं भाई साहब ये गर्म है काफ़ी इनको हम छीलेंगे और छीके खा रहे हैं ओफ है गर्म है ना ओके ओके नहीं भाई जान ये मैंने एक निकाला अभी उसको खाऊंगा और साथ में माई टू की चाय दो जी साथ साथ तो ये हमारा टूर है बेसिकली पूरा क्या कह रहे हो आर्या ये मैं भी निकाल रहा हूँ यहाँ से पीछे को रहा आर्या ये जब अच्छे से बन जाते हैं तो ऐसे निकल जाते हैं और ये ठहरो ना ठहरो ठहरो बेटा इस तरह से